हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो समीम में। आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSC का हो, RRB का हो, डिफेंस का हो, UP पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी भी कैटेगरी का आपका फॉर्म हो, जनरल साइंस जिसमें GS आता है, इन क्वेश्चनों को रट लो। बिल्कुल इन्हीं में से बार बार रिपीट होने जा रहा ये है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे क्वेश्चन चैनल है को सब्सक्राइब। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया किसने किया है? ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहला है आइंस्टीन, तो इसका हो जाएगा से से ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो आइंस्टीन सबसे पहले प्रकाश का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है कैसी होती है? इसकी होती है समान तरंग एवं कण दोनों के साथ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा से ऑप्शन ठीक हो जाएगा। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? समान तरंग एवं कण दोनों के साथ। ठीक है, इसका हो जाएगा। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो इसका दूसरा सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है, यानी प्रकाश सबसे ज्यादा किसमें तेजी पे चलता है? तो इसका फोर्थ का क्या हो जाएगा? निर्वात। से ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जो प्रकाश है वो सबसे ज्यादा तेज किस में चलता है? निर्वात सूर्य में ग्रहण चलता है। कब होता है? जब सूर्य ग्रहण कब होता है? कब होता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रमा बीच में हो तब क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। जब पृथ्वी पृथ्वी और चंद्रमा के सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तभी दोस्तों क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, आगे चलिए चलते सिक्स हैं। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सिक्स क्या कहता है? सिक्स है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? कौन सी घटना है दोस्तों? ये है, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण क्या हो जाएगा? इसका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये है सेवेंथ क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेंगे। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में दिख जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, द अपवर्तन विवर्तन एवं पारगमन की घटना के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखती है या दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभाषित होता है? जो पानी में अगर लकड़ी गिरी हुई है किसी बाल्टी में तो वो मुड़ी हुई दिखेगी, सीधी ना दिखे, थोड़ी मुड़ी हुई दिखेगी। तो इस घटना ऐसा किससे प्रतिभाषित होता है? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा से से प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रख लेंगे। इन सभी क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करना है। सबसे ज़्यादा 10 साल के अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले ये प्रकाश की यूनिट से क्वेश्चन आगे देख है। लेते आगे हैं, चलते हैं। देहली आवृत्ति कैसी होती है? देहली आवृत्ति कैसी होती है? 9th क्वेश्चन है, तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता उसको क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। तो इसको भी फ्रेंड्स याद रख लेंगे। आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है?
ठीक है फ्रेंड्स, इसको देख लेंगे 10th क्वेश्चन को। तो इसमें आ जाएगा ब सेकंड ऑप्शन, ठीक है, इसमें विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो किसका होता है फ्रेंड्स? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। फ्रेंड्स याद रख लेंगे इन क्वेश्चनों को, आगे चलते हैं। आगे आता है 11th क्वेश्चन। 11th में क्या है? पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोप आधारित है। तो एंडोस्कोप किस पे आधारित है फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, फर्स्ट ठीक हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पर। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा देख लेंगे। तो ये किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट क्या दे रखा? दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, जिसमें एक कोई व्यक्ति दूर स्था वस्तु को स्पष्टता, यानी दूर रखी हुई वस्तु को स्पष्टता ठीक से नहीं देख सकता। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड क्या दे रखा है इसमें? कोई व्यक्ति निकटता यानी निकट पास में है वस्तु को स्पष्टता यानी ठीक तरीके से नहीं देख सकता। ठीक है, और थर्ड क्या दे रखा है फ्रेंड्स इसमें? थर्ड दे रखा है, आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ सकता है। तो इसमें से कौन सा सही हो सकता है? तो इसमें सेकंड और फोर्थ दे रखा है, ये ठीक नहीं है। और आगे चलते हैं, इसमें ये दे रखा है आपका 1 और 4th, ये भी ठीक नहीं है। और फिर दे रखा है 2 और 3, ये सही ऑप्शन है फ्रेंड्स। क्या है? 2 और 3 ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंत यानी अंदर स्थापित है। ठीक है, उस बुलबुले से गुजरी हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 13 का? इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन ब, अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा वो बुलबुला। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रख लेंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है इसमें? जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है, तो ये फ्रेंड्स की है, ये मिस्टेक होगी, कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको देख लेंगे। इसमें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा लाल, लाल अक्षर जो है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसको देख लेते हैं, ये है चतुष्दर्शक एकांक में प्राथमिक रंग होते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा लाल, हरा, नीला। तो इसका सेकंड ऑप्शन किस में आ रहा है? लाल, हरा, नीला, ये जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसमें ठीक हो जाएगा। इसमें प्राथमिक रंग क्या हो जाएंगे? लाल, हरा, नीला। दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल हमारे वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लॉकडाउन में अपनी तैयारी को कंटिन्यू आगे बनाए रखें।